गाइस ये जो ब्रिज था फिरेरा फेरी 2 के लिए था और ये ब्रिज जो बनाया गया फिरेरा फेरी 3 के लिए है। हम लोग आ जा रहे सेंट कैथेड्रल चर्च जो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। अभी हम लोग जा रहे हैं वास्को डिगामा, ठीक है। हाँ। वही वास्को डिगामा जिसने समुद्र रास्ता जो है ना भारत का खोज किया था। चर्च के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना सेंट जेवियर जो थे ना उनका अवशेष रखा हुआ है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आज के नए फ्रेश व्लॉग में। आज है हम लोग का डे 1 गोवा में। तो हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं पंजिम जो है हाईवे के बराबर पास में, देखो मड़गांव और पिलर ये सब पास में दिख रहा है। हम लोग रुके वो पीछे तरफ है हम लोग के फ्रेंड के वहाँ पर। तो अभी हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं बताओ, तुम ही बताओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वास्को डिगामा, ठीक है। हाँ। वही वास्को डिगामा जिसने समुद्र रास्ता जो है ना भारत का खोज किया था। पता तो चले कि वास्को डिगामा में उन्होंने वो रास्ता ढूंढा कैसे, तो कहाँ से वो है वहाँ पे, क्या पता उनका कोई स्टैचू वगैरह कुछ रहेगा। तो चलते हैं वास्को डिगामा और मिलते हैं आपसे, ढेर सारी बातें करेंगे वास्को डिगामा पहुँच के, ठीक है। ठीक है, चलो घूमते गोवा। मोदी इनॉग्रेट करने आया था, वही है ये वाला। यही। क्या बात है गाइस, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मेरे को लगता है रात को ये और ज्यादा खतरनाक लगेगा। देखो यहाँ पे लोग आके पहले से फोटो वोटो खींच रहे हैं। चलो हम लोग भी थोड़ा आनंद उठाते इस जगह का। गाइस ये है गुवाहाटी बीच जो मोदी जी थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट करने आए थे। आप अगर यहाँ पे साइड पे देखेंगे तो ये सब भी देखो नया है, मेरे को लगता है ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे जाने का कुछ जगह नहीं दिखाई नहीं दे रहा था, वरना हम लोग का प्लान वही था कि आप लोग अंदर जाके वीडियो फोटो ले, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन बहुत ही एकदम इसका ये सब देखो कितना झाड़ा है ऐसा मालूम पड़ रहा है। देखो अभी भी शायद काम चालू है ऐसा लग रहा है, थोड़ा काम चालू है क्या इधर, क्या बोलते हो? ये जो गुवाहाटी बीच है ना ब्रिज, हाँ ये ब्रिज का इनोग्रेशन जो है ना 2 दिन पहले ही हुआ है। तो मोदी साहब करने वाले थे पर वो शायद तो ये अगर आप वास्को की तरफ जाएंगे ना यहाँ से, तो वास्को की तरफ आपको ये रास्ता मिलेगा। वास्को से करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये पंजी से 15 किलोमीटर तक का। उसको देख के अपना मुंबई का बांद्रा वाली सीलिंग याद आ गया। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा वो लग रहा है ना, ज़्यादा न्यू है तो ज़्यादा एकदम डेवलप लग रहा है। नहीं इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ इसको नज़दीक से देख पा रहे हैं ना, बांद्रा वाली सीलिंग को नज़दीक से भी देख पा रहे हैं। उधर रुकाने का अलाउड नहीं है। नहीं टू व्हीलर अलाउड नहीं है। सबसे अच्छी बात यहाँ की अपनी यही है, यहाँ पे अपनी टू व्हीलर है, यहाँ पे खड़ी और अपने को टू व्हीलर अलाउड है। देखो टू व्हीलर कितनी अपनी मस्त लग रही है, देखो एवेंजर पूरी चमक रही है। और साथ में टेंट के साथ, टेंट कौन दिखाएगा? अरे टेंट इसमें से निकाला, टेंट निकाला टेंट नहीं है तो भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ये पीछे है ना, ये ओल्ड ब्रिज है, ये ओल्ड ब्रिज है ना, ये हेरा फेरी वाला ही ब्रिज है, फेरी वाला ब्रिज है। अच्छा ये हेरा फेरी वाला है, देखो इधर ही वो गन अटका होगा अभी भी जो राजू ने फेंका था। गाइस ये जो ब्रिज था फिरेरा फेरी 2 के लिए था और ये ब्रिज जो बनाया गया फिरेरा फेरी 3 के लिए है। चलो अभी आगे जाते हैं, देखता हूँ मैं बहुत फास्ट चल रही है इधर गाड़ियाँ, 80-100 के नीचे नहीं चलाते हैं इधर कुछ भी कार। देखो आजू बाजू से कितना फास्ट में चल रहा है। अभी देखो ये भी ऑसम व्यू देखो। पुराना इधर ब्रिजिव है और वो बोट वगैरह देखो, तो देखो वहाँ पे थे हम लोग वो ब्रिज पे और यहाँ पे आ गए। गाना सुना था सर, कौन सा? दहलीज पे दोस्तों एक्चुअली सलेश ने बताया रहेगा कि हम लोग वास्को की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, वास्को डिगामा को ढूंढने के लिए, बट एकदम ब्लंडर हो गया, हमारी मिस्टेक हो गया, हम लोग उधर गए नहीं। अभी हम लोग बजाज के सर्विस सेंटर की तरफ जाने लगे, रास्ते में मुझे ये ब्रिज दिखा तो
लगा कि थम्स आ जाऊं। क्योंकि ब्रिज देखा लोग इधर व्यू देखो एकदम मस्त लग रहा है ना, मजा आ रहा है इधर। ऐसा अगर थोड़ा टाइम रुक जाए, थोड़ा धूप है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे बहुत। और वहाँ पे खाली हम लोग गए थे ना यहाँ पे क्या चाहिए जगह का नाम, वास्को डी गामा, जिधर गए थे वहाँ पे एक ही चर्च था, वो भी शाम को 5 बजे खुलता है। तो हम लोग सोचे यहाँ पे करेंगे क्या, वहाँ पे लोकल्स को भी पूछा, उन्होंने भी बताया करके यहाँ पे चर्च मेन तो चर्च ही है जो सीन के लिए लोग आते हैं वहाँ पे, और कुछ भी नहीं था है ना। हाँ ये तो फिलहाल यहाँ से कुछ फोटो वोटो निकालते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एक दो बहुत पुराने चर्चेस वगैरह है वो चलते हैं वहाँ पे, वहाँ आपको दिखाते हैं वहाँ का खूबसूरती। तो गाइस हम लोग आज आए सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। और एक्चुअली हम लोग आने को देर हो गया है, तो इसका जो टाइमिंग है वो एक्चुअली 6:30 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी यहाँ पर आए तो आप ये टाइम याद रखिएगा, सुबह जल्दी खुलता है और शाम को 6:30 के टाइम पर ये बंद हो जाता है। तो हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जाने मिले, लेकिन अंदर मुझे लगता है कैमरा अलाउड नहीं है। एक जन अभी मिले थे हम लोग को, उन्होंने बताया कि कैमरा अलाउड यहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए जब भी आए। अब बाहर से फोटो वीडियोग्राफी देखिए, ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे जो भी आए फोटो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। और इसके ठीक सामने एक और जगह है, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं बहुत। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग, देखो सिटी बजने लग गई है, मतलब हम लोग अभी जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि और आपको आसपास की चीज़ों के बारे में बता दूँ, और फिर देखते हैं ये जगह। गाइस मैंने एक और चीज़ यहाँ पे पढ़ी कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ गोवा में जो आता है, जो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। और क्या बोलना चाहोगे बताओ। यहाँ पे जो है ना ये चर्च के बाजू में जो है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है ना हेड ऑफिस है, आप कह सकते हैं यहाँ से। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सब खुदाई का काम जो भी होता है, मोनूमेंट्स का सेफ्टी कंसर्न जो भी है, उनका मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहता है। उसके बाजू में इस चर्च है सेंट कैथेड्रल। ये चर्च के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना सेंट जेवियर जो थे ना, उनका अवशेष रखा हुआ है ऐसा बोलते हैं। और ये चर्च जो है ना एशिया का सबसे फेमस और सबसे बड़ा चर्च है, और इस चर्च के बनाने में करीब 80 साल लगे ऐसा मानते हैं। इसलिए इसको जो है ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है ना इसको लिस्ट किया गया। क्या बात है, ये है। और चूँकि हम लोग लेट हो गए थोड़ा सा, अभी चर्च का टाइम है, फिर तो बंद हो जाती है। अब पीछे आप देख ही रहे हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और इसका मतलब है कि चर्च बंद हो गया, ठीक है, पूरी तरह। हाँ, और सामने एक ये चर्च जो है ना, एक आई थिंक बेलिस्का ऑफ चर्च कुछ है, सेंट बेलिस्का करके चर्च है, ये भी शायद बंद हो गया जो कि पूरा रेड है ना। हाँ, ये पीछे रेड वाला, ये चर्च भी करीब 500 साल पुराना चर्च है, ये भी पुराना चर्च है। तो ऑलमोस्ट हम लोग लेट हो गए, तो हम लोग ज़्यादा दिखा नहीं पाएंगे आपको। तो पानी फिर देखते हैं, हम लोग दोबारा आएंगे। चलो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकदम बाजू में वास्को डी गामा से, है ना। मैप देख, अरे साला तुम टेक क्या खराब कर रहे हो, सीधा सीधा ही है, एकदम स्ट्रेट है उधर।